सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। खबर दिल्ली से है, जहां पर होने वाली रामलीला की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं और दिल्ली में इस बार भी हर साल की तरह कई बड़ी रामलीला कमेटियों ने भव्य आयोजन करने का ऐलान किया। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला कमेटी ने भी इस बार कुछ खास तैयारी की है। लवकुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से जानकारी साझा की। रामलीला में इस बार भी कई फिल्मी और टीवी सितारे मंच पर दिखाई दे सकते हैं। साथ ही रामलीला कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान का सम्मान करते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। MH1 न्यूज के संवाददाता अमृत तिवारी ने पदाधिकारियों से इस बारे में खास बात की। ২০১৯ रामलीला की बात हो और फग्गन सिंह कुलस्ते जी का जिक्र ना हो तो बात थोड़ी अधूरी सी लगती है। हमारे साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। कुलस्ते साहब, इस बार जानकारी मिली है कि आपकी भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है, तो क्या कुछ आपकी भूमिका है इस बार? देखिए, लगभग 30 वर्षों से लवकुश रामलीला कमेटी रामलीला करते हैं। मेरा भी बहुत लंबे समय से जाना वहाँ हुआ है, अनेक कार्यक्रमों में और विशेषकर रामलीला में। और वैसे भी इस बार हमारी कमेटी का आग्रह था कि भगवान राम के काम में सहभागी बनना चाहिए, तो कमेटी ने तय किया कि नहीं, आपको कुछ करना है। तो मैंने फिर आप लोगों के आग्रह से मैंने कहा कि भाई थोड़ा 10-5 मिनट का जो भी समय है, कम समय के लिए सहभागी बन सकता हूँ। इसी दृष्टि से अगस्त मुनि जी का जो है वो करने का फैसला कमेटी के द्वारा हुआ है और इसने मैं सहमति दिया है। तो हमारे अशोक जी हैं, सत्यभूषण जी हैं, ये सब लोग अभी 2-3 दिनों से यही काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको शामिल होना है। और एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम देश भर के लोग और दुनिया के लोग भी देखते हैं, कैसे सीधा कास्टिंग भी होता है। और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के इसका लाभ ले सकें। वैसे कार्यक्रम तो हमारा दिल्ली में है, परंतु देश भर के लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था हमारी रामलीला इस रामलीला कमेटी करती है, बड़े विशाल स्केल में ये कार्यक्रम होता है। कुलस्ते साहब, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए और तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, कितना कुछ आगे भी करना बाकी? देखिए, लगभग हमेशा से हम लोग जैसे हमारे जो कमेटी है वो करता है, जो जो उस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो तो लगभग मिलकर के सब लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी पूरी तैयारी सुनिश्चित हो गई है। इसमें जो जो चीज़ें आवश्यक हैं और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में कमेटी तय करके इन सारी चीज़ों के बारे में व्यवस्था उन्होंने किया है, और ताकि जो भी हमारे दर्शकगण हैं लोग आए उनको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। प्रशासन से भी हमने अपेक्षा किया है कि सभी तरह के जो भी इंतजाम आवश्यक हैं लाइनर की दृष्टि से भी, वो भी हमने पूरा करने का कमेटी ने प्रयास किया है और सबको संदेश भी दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलस्ते साहब MH1 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन भुवन जोशी के साथ अमृत तिवारी, MH1 न्यूज़। हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल जी, लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। कैसी तैयारी चल रही है अशोक जी रामलीला को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और इस साल हम अभी तक की भव्यतम रामलीला करने जा रहे हैं इस साल। अशोक जी, आपके जो जितने भी कागज़ हमने देखे, यहाँ सारे कागज़ों पर लिखा हुआ है सी नो टू प्लास्टिक, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप इस रामलीला के ज़रिए लोगों तक? पूरी जो धरती है प्लास्टिक उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा संदेश इस साल सब लोगों के लिए यह है कि प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और इसलिए हमने अपनी रामलीला के भी जो कार्ड्स हैं उन पर प्लास्टिक हटा दिए, लेमिनेशन होता था। और उसके अलावा हमारे
हम अवेयरनेस प्रोग्राम रामलीला में इस साल चला ही रहे हैं कि प्लास्टिक को आप मना करो। हर कार्ड पे प्रिंट किया है से नो टू प्लास्टिक। जब पब्लिक अवेयर होगी तो इस धरती के सबसे बड़े दुश्मन का अपने आप नाश होगा। धीरे धीरे सब इसको अडॉप्ट करेंगे और जैसे पहले सब लोग बिना प्लास्टिक के रहते थे, वो फिर ज़माना वापस आएगा कि जिसमें प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। कौन कौन से इसमें नेता आ रहे हैं या कौन कौन से आपके अतिथि होंगे? नेता जो हैं इसमें, आज तो जैसे आप जानती हैं अभी कुलस्से जी ने कहा है कि मैं रामलीला में रोल करूंगा, भाई मनोज जी रोल करेंगे, पिछली साल जो सांपला जी ने रोल किया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी रोल करेंगे, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है नेताओं की भी जो रामलीला में रोल करेंगे। अभिनेताओं की लंबी लिस्ट है, 60 से अधिक बॉलीवुड के कलाकार हैं, उसके अलावा 1000 के करीब और आर्टिस्ट हैं। इस साल बहुत भव्यतम रामलीला होने की तैयारी हो रही है। सुना आपने, अशोक अग्रवाल जी ने एमएच वन न्यूज़ के साथ बातचीत की और तमाम जानकारियां हमसे साझा की। रामलीला मैदान में अब रामलीला की तैयारी चल रही है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि से नो टू प्लास्टिक का जो संदेश है ये आम जनमानस तक कितने बेहतर तरीके से पहुँचाया जाता है। दिल्ली से कैमरामैन भुवन जोशी के साथ अमृत तिवारी, एमएच वन न्यूज़ के लिए।